ठीक है, याद है ना सबको ये वाला प्रोग्राम जो हम लोग किए थे, सबको समझ में आ गया था। ठीक है चलो, एक और हम लोग का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर का ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू सिलेक्ट ए नंबर इज करेक्ट और नॉट। फाइंड, ठीक है, टू फाइंड सिलेक्टेड नंबर, सिलेक्टेड नंबर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, और हम लोग कुछ एक कंडीशन लगाएंगे, 3 से 4 हम लोग कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एंटर करेंगे 10। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ 10 तो ये बताना चाहिए यू एंटर्ड 10, ऐसा। ठीक है, 20 अगर एंटर करेंगे तो क्या बताना चाहिए, यू एंटर्ड 20, इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग 50 तक हम लोग लेंगे। क्लियर है, तो हम लोग चालू करते हैं अपना प्रोग्राम हैश इंक्लूड। ठीक है, कैसे कैसे बनाएंगे बताना, आप ही लोग बताओगे आज, है ना। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h। ठीक है, वॉइड मेन। ठीक है, तो हम लोग को कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, हम लोग को एक एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, इंट नम, नम मैंने वेरिएबल ले लिया, clrscr। ठीक है, अब नंबर को हम लोग को क्या करना है, एंटर करना है। कैसे इनपुट लेंगे बताओ, तो बताओ लीशा, बताओ लीशा है ऑनलाइन, आंचल शर्मा बताओ, जीवन कुमार बताओ, हाँ बोलो, स्कैन अप करके, बहुत बढ़िया। कैसे लिखेंगे, स्कैन अप परसेंट डी कॉमा एड एम परसेंट नम। ठीक है, बहुत बढ़िया जीवन, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे एंटर ए नंबर। ठीक है, जीवन कुमार आज का हीरो है। ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर एंटर कर लिए। अब क्या करना है, हम लोग को इस नंबर को कंडीशन से मैच कराना है। ठीक है, कैसे मैच कराएंगे हम लोग, बताओ। सबसे पहले एज्यूम कर लो कि 10 एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इफ लिखता हूँ इफ। ठीक है, क्या लिखूँगा, नम इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है, नम इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, क्या लिखेंगे, स्लैश एन यू एंटर्ड 10। ठीक, किसी कोई दिक्कत,
ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, अगर मैं वैल्यू नम में 10 एंटर करता हूँ तो क्या बताएगा, यू एंटर्ड 10। ठीक है, अगर मैं 10 एंटर नहीं करता, मैं 20 करता हूँ, तब क्या होगा, बताओ क्या लिखेंगे, क्या कंडीशन लगेगा, यही चीज़ सोचना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्स इफ, ठीक है, अगर मैं 10 एंटर नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स के केस पे हम लोग एक और कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारी वैल्यू क्या होती है, 20 होती है कि नहीं होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू 20। ठीक है, अगर हम लोग एंटर करते हैं वैल्यू 20, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है, 20, मतलब यू एंटर्ड क्या प्रिंट होगा, 20। ठीक है, क्लियर, अगर मैं 20 भी नहीं डालता हूँ, क्या डालता हूँ, 30 डाल देता हूँ, तो क्या होगा बताओ, अगला हीरो कौन बनेगा, एल्स इफ क्या लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, नम इक्वल टू 30, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30, ठीक है, यू एंटर 30 लिख देंगे। ठीक है, मैं 10 भी नहीं डालता हूँ, 20 भी नहीं डालता हूँ, 30 भी नहीं डालता हूँ, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ 40, तब क्या लिखेंगे, एल्स इफ क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू 40, और प्रिंट एफ के अंदर हम लोग दे देंगे 40, यू एंटर 40। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और मैं डालता हूँ, ठीक है, मैं 10 भी नहीं डाल रहा हूँ, 20 भी नहीं डाल रहा हूँ, 30 भी नहीं डाल रहा हूँ, 40 भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, 50 डाल दिया, उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एल्स इफ नॉम इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर के लिए बना लिए हैं, अगर इस 5ों नंबर से मैं कोई भी वैल्यू नहीं डालता हूँ, तब क्या होगा, हमारे हाँ हमारे मेनू में से 5 ही नंबर हैं। ठीक है, हम लोग एक फाइनल एल्स बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, नहीं एरर नहीं लिखेंगे, एरर क्यों लिखेंगे, ठीक है, यूज़र को एरर बता दोगे तो डर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परसेंट एफ, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे स्लैश एन, यू एंटर रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, प्लीज ट्राई, प्लीज एंटर 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग इसको कर देते हैं सेव, सेव में हम लोग कर देंगे सिलेक्ट नंबर, डॉट सी। ठीक है, अब इसको करेंगे कंपाइल, ठीक है, कंपाइल किए कोई एरर नहीं आया, और करेंगे रन। ठीक है, अब एंटर है नंबर, कौन सा नंबर डालूँ मैं डाल रहा हूँ 33, क्या आएगा बताओ, यू एंटर्ड। ठीक है, क्लियर, एल्स काम कर रहा है एकदम मस्त से। ठीक
ठीक है, फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 50, ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट में, क्या आना चाहिए? यू एंटर्ड 50 आना चाहिए, आया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एंटर 40, ठीक है, क्या आना चाहिए? यू एंटर्ड 40, ठीक है। अब फिर से हम लोग रन करते हैं, यहाँ डालते हैं 30, क्या आएगा? यू एंटर्ड 30 आया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, मैं डाल रहा हूँ 20, ठीक है, 20 डाला, एंटर किया, तो क्या आ गया? यू एंटर 20। ठीक है, अब एक और बार हम लोग 10 को भी टेस्ट कर लेते हैं, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डाले तो दिखा रहा है यू एंटर 10, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना? ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? एक सेकेंड, अब लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, कॉपी में भी नोट कर लो। ठीक है, सभी लोग ये सब प्रोग्राम्स के प्रैक्टिस करो, है ना? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब क्या लिखना है कुछ भी नहीं समझ में आएगा बाद में। ठीक है, एक होमवर्क देता हूँ आप लोग को, ठीक है, उसको करना आज, ठीक है, ट्राई करना, खुद से बनाने का ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, लिख लोगे तो बताना, लिख लियो क्या? लिए चलो, मैं एक होमवर्क देता हूँ आज, ठीक है, उसको बनाने का ट्राई करना। ठीक है, देखो, हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स एंट्री करेंगे। क्या इनपुट लेंगे हम लोग? इनपुट में देना है मार्क्स। ठीक है, ठीक है, मार्क्स इनपुट देना है, वो मार्क्स जो रहेगा या फिर हम लोग, ठीक है, मार्क्स का रेंज रहेगा 0 से लेके 99 तक। कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके 99 तक वैल्यू इनपुट करना है हम लोग को मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन हम लोग को लगाना है, क्या लगाना है? ठीक है, अगर
जो हमारा वैल्यू है ठीक है 75 से लेके 99 तक हो, ठीक है, तो इसको देना है ग्रेड ए, ठीक है, एक ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अगर 60 से लेके 74 तक हो तो क्या होगा, ग्रेड बी, ठीक है। फिर उसके बाद 60 से लेके 40 तक, 59 से, सॉरी 40 to 59 तक, ठीक है, क्या होगा, ग्रेड सी, ठीक है। फिर उसके बाद 33 से लेके 39 तक क्या होगा, ग्रेड डी, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से लेके 33 तक, ठीक है, यहाँ पे दे देना 34, ठीक है, 33 तक पास होते हैं, ठीक है, और इसको दे देना फेल, समझ गए, ठीक है। 75 से 99 तक क्या होगा, ग्रेड ए होगा। 60 से लेके 74 तक क्या होगा, ग्रेड बी होगा। 40 से लेके 59 तक क्या होगा, ग्रेड सी होगा। 34 से 39 तक क्या होगा, ग्रेड डी होगा, ठीक है, और 0 से लेके 33 तक फेल होगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ट्राई करना, ठीक है, आज, ठीक है, संडे का भी टाइम मिल रहा है ट्राई करने का, ठीक है, मंडे को इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे बनेगा बताओ तो, किसी कुछ आइडिया, कंडीशन तो अप्लाई करना ही है, 5 कंडीशन लगेगा इसमें, हाँ, इफ एल्स इफ का यूज़ करना है, 5 कंडीशन लगेगा। अब क्या कंडीशन लगेगा वो मंडे को पता चलेगा, बाकी तब तक आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। आज सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है क्या आप लोग का, ठीक है, 2 बजे तक क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 बजे के पहले ही मैं दे दूंगा, है ना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और भर भर के लिखना है बढ़िया से, फोटो खींच के वापस से मुझे पर्सनल, या फिर जो ग्रुप बनाया हो ना एक ठोक एक्स्ट्रा वाला, तुम लोग ठीक है उसमें भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो तुम लोग का एक पर्सनल ग्रुप है उसमें भेज देना, है ना, सभी लोग, ठीक है, पूरे के पूरे 50 लोग का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही मार्क्स जो होते हैं इसी के बेस पे इंटरनल मार्क्स जाता है, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम में जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं ना, तो वो इसी के बेस पे जाते हैं, तो सभी लोग अटेंड करो और अच्छे से लिखो, अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे तो इंटरनल भी अच्छा मिलेगा, सेशनल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, ताकि हम लोग के पास भी कुछ तो रिकॉर्ड रहे आप लोग का, कि हम लोग दे पाए आपको नंबर, हाँ, अनऑफिशियल जो ग्रुप बना है उसमें सेंड कर देना, ठीक है, क्योंकि अब 50 लोग भेजेंगे तो समझ रहे हो ना कितने सारे चैट हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, ठीक है, अनऑफिशियल वाले में भेज देना तो मैं उसी में से देख लूँगा, है ना, ठीक है। और रात के 9 बजे तक का टाइमिंग है, रात के 9 बजे तक का भेज दो, ठीक है, तो पता चल जाएगा, सभी लोग भेज दो, है ना, ओके। किसी कुछ डाउट है क्या आज की क्लास में, इस प्रोग्राम में किसी कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है,
समझ में आया गया, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स इफ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। इफ एल्स इफ लैडर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ, ठीक है। उसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, किसी कुछ नहीं पूछना है। ओके, ठीक है।